ठीक है। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं उस पर कि भाई क्या होगा। ठीक है, आप देखो ध्यान से, इसमें एक छोटा सा सर्किट ले लेते हैं, ठीक। ये 3 ओम, 6 ओम और 9 वोल्ट का बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड पहला भाई टोटल करंट, दूसरा है एक्रॉस थ्री ओम रेजिस्टर और तीसरा है एक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। ठीक, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि टोटल करंट निकालिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट जाए और 6 ओम के अक्रॉस कितना करंट जाए। ठीक, अब आते हैं हम लोग टोटल करंट के लिए। हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल करंट के लिए टोटल ईएमएफ बटा टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो ईएमएफ तो दिया हुआ है, गिवन ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू 9 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 1 ओम। ठीक, अब ये दोनों क्या है, रजिस्टर आपस में पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट आपको क्या बताए थे, आर वन इंटू आर टू बटा आर वन प्लस आर टू बताए थे। तो आर इक्विवेलेंट इनका क्या हो गया, 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, 18/9, आर इक्विवेलेंट इज नथिंग 2 ओम। इन दोनों के बीच का इफेक्टिव, ए से बी के बीच का, यानी बाबू ऐसे लिख सकता है तो अच्छा रहेगा, इक्विवेलेंट आर ए बी, ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, 2 ओम होगा। अब आते हैं हम लोग टोटल रेजिस्टेंस, अब तो ये दोनों को तोड़ दिया, अब ये दोनों मिलके इसके साथ क्या हो गया, सीरीज में। आइए थोड़ा करंट डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, मान लीजिए आई करंट बैटरी से निकला, यहां पर आके स्प्लिट करेगा करंट दो भाग में, इधर से मान लीजिए आई वन, इधर से आई टू, फिर यहां पर आई, दोनों मिल करके आई बनाएगा। ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा, अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा बाबू, देखिएगा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो देखिएगा 2 प्लस 1 3 ओम होगा, इनका मिला के 2 और ये सीरीज में है सर। अब हमको क्या करना है, टोटल करंट,
टोटल करंट क्या होगा सर? टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 3 एम्पियर का करंट आ गया, 3 एम्पियर करंट आ गया। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, आपका पहला क्वेश्चन का जवाब तो आ गया कि टोटल करंट कितना होगा। दूसरा और तीसरा, इसको मान लीजिए, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, तो R1 के क्रॉस और R2 के क्रॉस। अभी जस्ट पिछला वीडियो में आपको फॉर्मूला दिए थे ना, आप देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या दिए थे, I1 इक्वल टू R2 बटा R1 प्लस R2 इंटू क्या है I। I1 इक्वल टू क्या होगा, R2 6, 3 प्लस 6 इंटू 3। I1 इक्वल टू 6 बाई 9 इंटू 3, और क्या हो गया, 3 से 9 कट गया, यानी 2 एम्पियर हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू क्या है I, ये कितना 3, ये 9, ये कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो आपने क्या देखा, I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, I2 इक्वल टू, तो देखा क्या आपने कि जिसका रेजिस्टेंस कम है उधर की ओर करंट क्या किया, ज्यादा गया, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उधर की ओर करंट कम जाएगा। ठीक, तो यहां हमने क्या देखा कि भाई करंट डिवाइड कैसे होता है, एक आर्टिकल देखा, फिर एक क्वेश्चन देखा, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास मैं लेकर के आ रहा हूं, यहां भी आपको देखना है भाई, ये काफी फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत सारे बोर्ड में पूछा गया, अब देखना है ध्यान से। ठीक है, अब क्वेश्चन देखा जाए, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू a cell as shown in the circuit given below. Find the equivalent resistance. Between point A and B, ये आपका सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर, इस पूरे तार का रेजिस्टेंस कितना है R। अब देखिए इसको हम लोग सर्किट से जोड़ रहे हैं,
एक्सेल से जोड़ना है। एक्सेल से जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये डॉटेड लाइन, ये जो है यहां सेंटर पर इसका 60 डिग्री का ही बना रहा है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब आपको क्या करना है, ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये कोई सेल है जिसका ईएमएफ भी, कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये कैसे निकलेगा इसको देखना है, यहां निकलेगा कैसे, यहां कैसे निकलेगा ये देखना है। आपने क्या देखा, जैसे ही आप सेल से कनेक्ट किए, ये आपका सर्कुलर वायर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक सेगमेंट हो गया आपका ए से लेकर के बी, ये वाला छोटा सेगमेंट, यानी ये एक आर्क हो गया जिसका एंगल 60 डिग्री। अब बाकी दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया, बाकी दूसरा वाला पार्ट ये हो गया, यानी पूरे रिंग को ये सेल दो भाग में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब जो भी करंट आएगा यहां वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, एक आई वन मान लीजिए इधर से आई टू। इसका मतलब ये दोनों सेगमेंट जो हैं आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए, दोनों सेगमेंट आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए यहां पर, ठीक। तो पैरेलल हो गए, इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा इसको देखना है। मान लीजिए इस सेगमेंट का रेजिस्टेंस आर वन है, इस सेगमेंट का रेजिस्टेंस आर टू है, तो आर इक्विवेलेंट तो आप जानते हैं, आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस क्या होगा आर टू। अब आपको काम करना है क्या, आर वन और आर टू निकालना। आर वन आर टू कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, पूरा सर्कुलर वायर सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 360 डिग्री एंगल के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, यूनिटरी मेथड सिंपल सा तरीका, 360 डिग्री एंगल के लिए रेजिस्टेंस कितना हो गया आर, तो यूनिट के लिए कितना होगा आर अपॉन क्या होगा, तो बाबू के लिए कितना के लिए 60 डिग्री के लिए आर अपॉन इंटू 60, दिस इज नथिंग आर बाई फाइव, आर बाई सिक्स, आर बाई सिक्स ना ये कट जाएगा, तो आर वन इज नथिंग बट व्हाट आर बाई सिक्स। स्वाभाविक है कि टोटल आर था तो आपका आर वन इतना हो गया, आर टू इक्वल टू क्या हो गया आर माइनस आर वन, या ऐसे 270 डिग्री के लिए यहां देखेंगे 270 नहीं 300 ने बाकी बचा, यहां से इस आर का एंगल कितना हो गया 300, तो 300 के तो 5/6 आ जाए, ऐसे भी निकालिए तो 5/6, तो आर माइनस आर बाई सिक्स, तो 5 आर बाई सिक्स, आर टू इज नथिंग बट व्हाट 5 आर बाई सिक्स। अब आपका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट व्हाट आर बाई सिक्स इंटू 5 आर बाई सिक्स, आई दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा आर, आर वन इंटू आर टू जोड़ के आर मिलेगा, एक आर से आर कट गया, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया 5 आर बाई 36। इसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत बार एक क्वेश्चन आया है 5 आर बाई 36। अब हमने आपको बताया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का ही ना बताया था कि भाई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। अब हम आते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का बताते हैं, और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कुछ नहीं बल्कि केवल और केवल क्या है, न्यूमेरिकल, और आपको न्यूमेरिकल क्या करना है, हल करना है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन।
ठीक है। आते हैं हम लोग तो मिक्स कम्बिनेशन में क्या कहता है। मिक्स कम्बिनेशन में प्रॉब्लम है आपका, इसमें देखिए ध्यान से। ठीक, बहुत आसान आसान क्वेश्चन हम दे रहे हैं अभी सीखने के लिए। सब में पॉइंट ए और बी है लास्ट पॉइंट, और सब में आपको क्या करना है, बस आर ए बी निकालना है सभी के लिए। सबका रजिस्ट्रेशन दे नहीं दे, लिखे नहीं लिखे, सबका रजिस्ट्रेशन आर मानिएगा। सभी केस में आपको इक्विवेलेंट निकालना। इसका मतलब यहां तार कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट में नहीं, ऊपर से पार किया, मतलब दोनों का कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट नहीं। यहां कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट में है, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया है। ठीक है, पहले इतना किया जाए, इसके बाद फिर देखा जाएगा। तो अब एक एक करके हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, एक एक करके इसमें हल करेंगे हम लोग। ये तो सब बहुत सिंपल है सर, जितना भी प्रॉब्लम है बहुत सिंपल है। जनरली सारे क्वेश्चन जो है जमानी ऐसे ही आराम से आदमी बना सकता है, ऐसे बना सकता है आदमी आराम से। देखिए ध्यान से इसमें क्या करता है ये। अब इसको हम लोग एक और इसको डील कर रहे हैं, ये दोनों आपस में सीरीज में है कि पैरेलल में, आप बताइए। सीरीज में है तो सीरीज में है
याद रखना है, सीरीज में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, पैरेलल में इस प्रकार से होगा। इतना दिमाग में रखिए, बहुत आसान है सर। आर आर का कितना होगा सर, यानी इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, अब देखिएगा ध्यान से बाबू, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा ये ए बी, आर आर का कितना हो जाएगा 2R और ई आर। अब देखिए तो ध्यान से, ये दोनों आपस में क्या हो गए पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है ना, तो आर इक्विवेलेंट बाबू को क्या बताए थे, आर वन इंटू आर टू बटा आर वन प्लस आर टू। आप यहां पर क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए ध्यान से, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन इक्वल टू आर वन इक्वल टू टू आर इन टू आर टू आर प्लस आर, एक आर से एक आर कट गया, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू टू आर बाई क्या हो गया, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू टू आर बाई थ्री। आप देख लिया इसका, इसका सॉल्यूशन बाबू देख लिया, ये क्या है, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल था, ठीक। उम्मीद है कि सब लोग बना लिए होंगे इसको, क्योंकि आप इसको क्या कीजिए, वीडियो रोक दीजिएगा, क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा, जहां दिक्कत होगा तब इसको चालू कीजिएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहां दूसरा क्वेश्चन क्या कर, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, अब फिर इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसके साथ सीरीज में होगा, यानी आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखिए क्या हो, बहुत सिंपल हो, आर और आर है तो बताया था ना इनका क्या होगा, आर वन इंटू आर टू बटा आर वन प्लस आर टू, आर इंटू आर बटा आर बाई टू हो जाएगा, तो आर आर का कितना हो जाएगा आर बाई टू, और ये हो गया आर, ये ए और बी, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो एक रुपया प्लस 50 पैसा, 3/2। आसान है, बहुत सिंपल। अब देखेंगे ध्यान से, ये भी हो गया, अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कहता है, यहां आते हैं पहले सर्किट कॉम्प्लिकेटेड, यहां है आर आर, ये दोनों क्या है आपस में, अब देख रहे हैं ना, जो करंट यहां से जाएगा ये दोनों में जाएगा सर, ये 60 डिग्री आपको भ्रम में डालने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। आर आर का कितना हो जाएगा 2R, सीरीज में है दोनों, आप इसको तोड़ देंगे तो कितना हो गया बाबू का, अभी 2R हो जाएगा, 2R और R क्या होगा पैरेलल में, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। अब देखिए पैरेलल में क्या हो गया, यहां देखिए इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, R1 वन इंटू आर टू बटा आर वन प्लस आर टू, आर वन इक्वल टू टू आर इंटू आर बटा 2/3R, तो देखिए ये R, ये जो है 2/3R, यानी 2R/3 और ई आर। अब देखिएगा बाबू, अभी सब के सब क्या हैं, सीरीज में है, आर प्लस आपका एलसीएम कितना होगा, 3, 6, 2, 8, 8R/3 क्या होगा, 8R/3 होगा, तो आसान था सब।
देखिए ध्यान से इसमें क्या कहता है, अगला चीज इसमें क्या कहता है, ये इसको कैसे डील करें, बहुत सिंपल ऐसा डील करने के लिए। ये देखिए ये दोनों आपस में सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में ना, सीरीज में, तो इनका क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में टू हुआ, यहां से यहां तार गया, बीच में रास्ते में कांटेक्ट में नहीं आया, ये भी दोनों सीरीज में, ये भी दोनों सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, ये 2R ये 2R, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट बाई 2R, 1 बाई 2R, 1 बाई, ये 4 बाई क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाई टू हो, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाई क्या हो गया टू हो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे, आगे क्या है, इसके लिए हम लोग आते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों तो सीरीज में हो गए, आइए ध्यान से, इनका कितना हो गया, ये नीचे वाला दोनों सीरीज में हो गए, इनका कितना हो गया, लेकिन आप देखिए यहां से ये तो सदा तार है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही है सर, और ये देखिए ये दोनों, अब थोड़ा सा इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं, आइए आइए ध्यान दीजिए, ये दोनों आर 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 आर, ये तो 2R है और ये A से B, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, ये दोनों पैरेलल, आर आर का क्या हो जाएगा, R बाई टू, आर आर का पैरेलल में R बाई टू, इसका क्या हो जाएगा, R बाई टू, ये दोनों फिर आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए, आर बाई टू, आर बाई टू क्या हो गया, आर हो गया, अभी तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो पैरेलल हो गए तो वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई टू आर, बाबू के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा, वन प्लस टू प्लस वन, तो वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 4 बाई टू आर, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, यानी इसका भी रिजल्ट वही आएगा जो पहले वाला में आया, लेकिन कॉम्बिनेशन अलग था, याद रखिए, बहुत सिंपल है।
अब हम लोग आते हैं इसमें, यहां पर देखेंगे हम लोग, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखते हैं उसमें, ये बहुत ही आसान रहता है सर्किट वाला, मैक्सिमम प्रॉब्लम आसान रहता है। देखते हैं हम लोग आगे, ठीक। ऐसे केस में क्या देखेंगे, ये सदा तार बहुत मायने रखता है, ये सदा तार आइडियल तार है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये जिस जिस पॉइंट को टच करेगा उसका पोटेंशियल सेम होगा, यानी उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ये सदा तार, जैसे ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है, ये माने तो ध्यान देगा ए पॉइंट और डी पॉइंट सेम हो गए। तो आप क्या, थोड़ा टेक्निकली हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, इसके बाद तो जो आपको कॉन्सेप्ट बताए, अगर पैरेलल में होगा तो सबका प्लस एक साथ सबका माइनस, जितने भी रेसिस्टर हैं सबका एक एंड पॉजिटिव के साथ और दूसरा एंड क्या होगा नेगेटिव के साथ, ये कंसेप्ट है। लेकिन हम आपको टेक्निकली बताते हैं। अब यहाँ पर इस उंगली को दबाइए और इस तार को उठा करके लाइए, किसको, ए को ला करके बैठा दीजिए, किसके पास, डी के पास। तो जब ए को डी के पास ला करके बैठाइएगा, यार और ये बैठ गया, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया कि नहीं। अब बी पॉइंट जो है और सी पॉइंट सेम है सदा तार से, अब बी को उठा के लाइए और बैठा दीजिए किसके पास, सी, आर यार यार, तीनों पैरेलल हो गया कि नहीं। तो पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा, आर बाई थ्री हो जाएगा, पैरेलल हो गया तो क्या होगा, आर बाई, कितना बार एग्जाम में पूछा। अब कहिए कि नहीं सर उठा लीजिए बैठा लीजिए वो सब हम मतलब नहीं रखते, तो आइए देखते हैं उठा बैठा नहीं करें, तब हम लोग इसको हल करके देखते हैं। अगर सभी का, तीनों रजिस्टर का एक इंड अगर पॉजिटिव, तीनों रजिस्टर का एक 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 इंड जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा इंड तीनों का निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब तीनों के तीनों पैरेलल कम्बिनेशन में होंगे। तो आते हैं हम लोग देखते हैं, यहां देखते हैं हम लोग, अब देखिए ध्यान से, ये है, अब इसको थोड़ा सा, हाँ ये आर 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 है सर, ये आपका व्यवस्था कैसा है इस प्रकार, आइए एक छोर हो गया ये, दूसरा छोर हो गया ये, इसको बैटरी के प्लस से लगा दीजिए, इसको बैटरी के माइनस। ध्यान दीजिए, मेरा कहना है कि तीनों का एक एक सिरा हम यहां प्रूफ करेंगे कि बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरा सिरा नेगेटिव से। थोड़ा कलर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेंट है कलर थोड़ा ही। आइए देखिए ध्यान से, यहां से हम प्लस लेकर के चले हैं, प्लस लेकर के चले हैं, इस पॉइंट पर डिवाइड होगा, ये प्लस इधर से आया, यहां से आई प्लस आ गया, यहां फिर आता है, यहां आने के बाद दो रास्ते में डिवाइड होगा, यहां यहां भी प्लस। ध्यान दीजिए, यहां देखिए ये वाला छोड़िए, यहां देखिए तो क्या देखिए, इस तार का बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस रजिस्टर का इस सिरा को इस इंड को पॉजिटिव कर रहा है ना, ये पॉजिटिव फिर आया यहां और फिर इधर से आया, इस वायर का ये वाला इंड जो है पॉजिटिव, इस वायर का ये वाला इंड पॉजिटिव, यानी तीनों का पॉजिटिव एक साथ हो गया क्या। अब आते इधर से नेगेटिव लेके चलते हैं, यहां पर क्या होगा सर, यहां डिवाइड होगा, इधर इधर आएगा नेगेटिव, यहां देखिए ध्यान से, अब इस तार का दूसरा सिरा नेगेटिव से, इस तार का दूसरा सिरा नेगेटिव से, इसका पहला पॉजिटिव से दूसरा, तो सबका पॉजिटिव क्या हो गया एक साथ और सबका नेगेटिव एक साथ। तो कहता है क्या कि फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट यहां लिख सकते हैं, फ्रॉम अबव
इट इज क्लियर दैट द गिवन कॉम्बिनेशन इज पैरेलल, सो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, आर बाई थ्री बताया था ना, अगर आइडेंटिकल होल्स एन तो आर बाई एन बताए थे, तो तीन आइडेंटिकल है तो आर बाई क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई थ्री हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अगला अरेंजमेंट। सब आर 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 है तब ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए, तो आप देखें और बताएं हल करेंगे क्या होगा। ऐसे सोचना है कितना आएगा इसका, बोलिए क्या आएगा, ये तो आपका पिछला वाला हो गया आर बाई थ्री हो गया और इसका कितना आ जाएगा टू आर और ये आर, क्या होगा सर इसके विषय में, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे सीरीज में होंगे क्या होंगे सर, ध्यान दीजिए इसमें ये सदातार बड़ा खतरनाक है, खतरनाक कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट कराएगा सर, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये यहां तो सर ब्रांच बना बना करके हमने ठीक कर दिया लेकिन यहां से सीधे सीधे सपाट, तो जैसे ही करंट इसमें से निकल के आएगा यहां इधर से क्यों जाना चाहेगा, इधर से तो आइडियल था, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और अब इसका इक्विवेलेंट यहां से यहां तक क्या क्या हो जाएगा, अभी निकाले आर बाई थ्री ये दोनों गायब हो गया यानी शॉर्ट सर्किट हो गया और उस स्थिति में ध्यान देना इसे सदातार लगा देता है बीच में कहीं कहीं सर्किट में, तो अब यहां से क्या हो जाएगा आर, दोनों आपस में सीरीज में हो गए आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई थ्री प्लस आर, तो कितना हो जाएगा इसमें बोलिए आपका क्या हो जाएगा फोर आर बाई थ्री प्लस वन और आर बाई क्या हो जाएगा, इसलिए इस तरह के तार से आप सावधान रहेंगे, इस तरह के तार आपका जहां मिले वहां केयर लेंगे क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट कराने वाला तार। आते हैं एक और क्वेश्चन है इसका टेस्ट बदल रहे हैं कंसेप्ट बदल रहे हैं, एक हेक्सागन वाला था कैपेसिटर में बताए थे, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, फिगर जैसे मैं बना रहा हूं ऐसा प्रैक्टिस कोशिश मत कीजिएगा, क्यों मेरे पास मिटाने का क्या है ऑप्शन है, आपके पास मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं,
डायगनली अपोजिट कॉर्नर का हमको निकालना है। अब हम यहां तोड़ देते हैं आर, बारह गो वायर होगा, बारह ब्रांच होगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या करता है, आगे यहां तक हो गया, किसी में छूट नहीं रहा है, सब में आगे। आपको कहां से निकालना है, ए से बी पर निकालना, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या कंसेप्ट बदलेगा, यहां कंसेप्ट क्या बदलेगा भाई। तो यहां सीरीज पैरेलल देखने में बड़ा मुश्किल हो जाए कि सीरीज किधर है पैरेलल किधर है। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल डिवीजन मेथड्स, ओम से लगाएंगे पोटेंशियल डिवीजन मेथड्स। आइए देखिए ध्यान से पोटेंशियल मेथड से, पोटेंशियल सम से। अब देखिए ध्यान से, सब पार्ट इसका आइडेंटिकल है, सबका रेजिस्टेंस आर आर है, सारे साइड सारे पक्ष इसके क्या समरूप है, एक ही जैसे। अब हम यहां करंट आई देंगे तो स्वाभाविक है कि यहां पर तीन पार्ट में करंट टूटेगा, और तीनों रास्ते आइडेंटिकल है। इधर की ओर करंट कितना होगा, वहां चार डिस्ट्रीब्यूट किए थे हम, क्यू डाले थे क्यू बाई थ्री क्यू बाई थ्री क्यू बाई थ्री, यहां करंट आई बाई थ्री, तो करंट आपका डिवाइड हो गया। फिर देखिए यहां पर, यहां पर आया फिर दो ब्रांच निकला, दोनों आइडेंटिकल है, आई बाई सिक्स आई बाई सिक्स, फिर यहां से आया आई बाई सिक्स आई बाई सिक्स, फिर यहां से आया देखिए इधर इधर आई बाई सिक्स। अब आइए देखिए यहां से आई बाई सिक्स, इधर से आ रहा आई बाई सिक्स, इधर से आई बाई सिक्स, इधर से आई बाई सिक्स आई बाई थ्री, इधर से आई बाई सिक्स, इधर से, अब फिर इधर से क्या निकल गया, आई बाई थ्री प्लस आई बाई थ्री प्लस आई बाई थ्री, आई निकल गया। अब देखेंगे हम लोग यहां, भाई हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, कि ए और बी के बीच का डायगनली अपोजिट करना था, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच का, ठीक। अब देखेंगे ध्यान से, अब बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट, ये तो पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इसको सी इसको डी मान लेते हैं। अब हम लोग छोटा छोटा सेगमेंट में ओम्स लगाते हैं, तो ए से बी ए से सी आई, देखिए ध्यान से, तो वी ए माइनस वी सी इनके इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो करें वी बराबर आई आर, आई कितना है बाबू का आई बाई थ्री इंटू क्या होगा आर होगा। अब आइए सी से डी के पास आइए, तो वी सी माइनस वी डी रेजिस्टेंस तो आ ही है, आई बाई सिक्स इंटू क्या होगा आर हो गया, वी डी माइनस वी बी ये क्या हो गया आर रेजिस्टेंस है, तो आई बाई थ्री इंटू आर एड कर दीजिए, तो वी सी से वी सी वी डी से वी डी, तो वी ए माइनस वी बी। अब देखिए इसमें क्या है? सर सही है, कॉमन है, आई आर बाई थ्री कॉमन है सब में। अब देखिए वन प्लस वन बाई टू प्लस वन, कहीं कोई दिक्कत, आई आर बाई थ्री सब में है। अब आपका क्या हो गया, दो दो चार एक पांच, तो आपका क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू फाइव आई आर बाई क्या होगा सिक्स।
आइए, इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, सबके मिला करके, सबको तोड़ करके एक सिंगल ले लेते हैं, इसको आर इक्विवेलेंट करते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, सब बी, और इसमें करंट कितना गया, आई, तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी यहां, तो टोटल करंट आई जा रहा है, आई इंटू, इसको इक्वेशन बी बना लीजिए, इसको इक्वेशन ए बना लीजिए, कोई दिक्कत। तो दोनों क्वेश्चन, दोनों इक्वेशन जो है एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का एलएचएस सेम है, आरएचएस सेम हो, तो कह रहा सर यहां फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ऐसे क्वेश्चन का लास्ट में रिजल्ट याद रखा जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए, तो क्या हो गया, आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू फाइव आई आर बाई सिक्स, आई से आई चला गया भाई, आई इक्वल वैलेंट इक्वल टू आर इक्वल इक्वल टू फाइव बाई सिक्स आर, यहां तक कोई दिक्कत, बहुत आसान, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिंपल क्वेश्चन के रेंज में हम लोग हैं, कि सिंपल क्वेश्चन के रेंज में है कि भाई सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं। अब हम एक टेक्निकल क्वेश्चन देते हैं और उस टेक्निकल क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। अभी सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होगा कैपेसिटर में भी इनफाइनाइट लैडर वाला केस लिए, इसमें भी एक इनफाइनाइट लैडर देख लेते हैं। ठीक, देखते हैं हम लोग इस केस में क्या है भाई, इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन रहता है, ये आर वन आर वन R2, R2, R2। अब देखिए ध्यान से, कहां तक जाता है भाई, इंफिनिटी तक जाता, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको बताया था टेक्निक कैसा, जैसे मैथ में आप पढ़े होंगे एक्स एक्स इंफिनिटी, इसको एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि इंफिनिटी से घटा दिए तब भी इंफिनिटी रहा। अब आप देखें वहां लॉग लीजिए होंगे, लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करके निकाले, मेरा कहना वही चीज है कि इस इंफिनिटी से एक लैडर को अगर हम हटा भी लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेट आर बी दी, आर बी दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक लैडर काट के देखिए और बाकी का मान लीजिए क्या है, आर
आर है, ई आर वन है, ई आर टू है, आपको ए से बी के बीच निकालना है। अभी देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपका ये होगा। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल के लिए क्या बताए हैं बाबू? आर वन इंटू आर टू, आर वन की जगह पर आर टू है, आर टू की जगह पर आर है, इसका क्या होगा? एक सिंगल हो गया और ये हो गया आर वन, आई आर टू इंटू आर, आर टू प्लस आर, ठीक। इन सभी का इक्विवेलेंट कितना माने है? आर। ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में। आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इंटू आर बटा आर टू प्लस आर। मैं क्या बोला? पूरे लैडर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लिया? आर। ऐसे समझिए, इनफाइनाइट लैडर का रेजिस्टेंस आर माने हैं इफेक्टिव टोटल, उसमें एक लैडर जोड़ भी देंगे उसका आर ही होगा। तो हमने क्या किया? इन्फिनिटी में एक जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद भी क्या लिखा है? आर ही लिखा है। ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो पैरेलल के लिए आर वन इंटू आर टू बटा आर वन प्लस आर टू। ये दोनों आपस में क्या होंगे? सीरीज में होंगे। ऐसा आ गया। अब इसको हल करना है, तो हल करके देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा सर। अब देखिए तो ध्यान से, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू आर बटा आर टू प्लस आर, एलसीएम इसका वन। अब इसको यहां लाइए, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आर आर टू प्लस आर इक्वल टू इसके साथ आर वन आर टू प्लस आर आर टू आर। अब तो देखिए ध्यान से, यहां क्या होगा? आर आर टू प्लस आर स्क्वायर आर वन आर टू प्लस आर वन आर आर टू आर, आर आर टू और आर आर टू से कैंसिल हो गया। यहां थोड़ा साइनिंग पोर्शन है, इसलिए ध्यान नीचे देख रहे हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? आर वन आर प्लस आर वन इंटू आर टू। आप इसको एडजस्ट कीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर वन आर, आर वन इंटू आर टू इक्वल टू जीरो। अभी देखिए तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया, किसके टर्म में? आर वन के, आर के टर्म में क्वाड्रेशन। कैसा क्वाड्रेशन बाबू का था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई कितना था? टू। अब हम लोग देखते हैं, देखते हैं हम लोग आइए। तो यहां x की जगह पर क्या हो गया? r। a की जगह पर क्या हो गया? वन। कंपेयर a इक्वल टू वन। अब b इक्वल टू बाबू क्या लिख सकता है? माइनस r और रिजेम्बलेंस बता देते हैं। एक्स इक्वल टू आर, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस आर वन। अब बाबू सी इक्वल टू क्या लिख सकता है? सी इक्वल टू माइनस आर वन इंटू आर। तो आर बराबर क्या होगा? माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आर वन प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। आर वन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस फोर ए, ए तो वन है, सी कितना है? माइनस आर वन इंटू आर टू, माइनस माइनस प्लस, अब बटा टू इंटू वन, तो कितना हो जाएगा? आर इक्वल टू आर वन प्लस माइनस रूट ओवर फोर आर वन आर टू। एक काम करते जा रहे हैं,
आर वन कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस फोर आर वन आर टू बाई क्या होगा, आर वन स्क्वायर। आर वन कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो आर वन स्क्वायर कॉमन लीजिए तो स्क्वायर रूट क्या हो गया इसका, आर वन यहां वन बचेगा और डिवाइडेड बाई यहां पर क्या करेगा एक आर वन से एक आर वन कट जाएगा, तो बचेगा कितना भाई पावर कटेगा, तो आप देखो तो आर इक्वल इतना बाई टू है, तो यहां पर क्या होगा आर वन निकाल लो बाबू, वन प्लस माइनस रूट ओवर वन प्लस फोर आर टू बटा क्या हो गया आर, यही रिजल्ट आया ठीक। इस रिजल्ट में क्या देख रहे हैं, अरे कुछ नहीं भाई सिंपली हल किए तो एक आर वन से एक आर वन कट गया आर टू बटा आर वन रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं भाई आर वन बाहर निकाल लिया सर टू नीचे था। अब आपको क्या देखना है, ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा सेपरेट रखिएगा, इधर मत मिला दे नीचे वाला अलग दूसरा ये आपका है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये माइनस लेंगे यहां क्या देख रहे हैं वन प्लस इस सब पॉजिटिव है सर, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो वन प्लस फोर इंटू समथिंग जो भी होगा वन प्लस समथिंग एक से ज्यादा जो होगा कुछ भी चीज एक से ज्यादा होगा उसका स्क्वायर रूट भी उसका स्क्वायर रूट भी एक से ज्यादा होगा, वन माइनस ग्रेटर देन वन निगेटिव होगा, तो निगेटिव रेजिस्टेंस का मान संभव, इसलिए निगेटिव रूट परमिसिबल नहीं होगा बिकॉज रेजिस्टेंस नेवर हैव निगेटिव वैल्यू। तो बाबू का यहां पर क्या हो जाएगा, आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो आर इक्वल टू आर वन बाई टू आर वन बाई टू वन प्लस रूट ओवर वन प्लस फोर आर टू बाई आर। अब आपको क्या करना होगा, इस रिजल्ट को याद रखना, मान लीजिए ये दो ओम है ये पांच ओम है ये दो ओम है ये चार ओम है, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं वैल्यू रख करके हल करके और बना सकते हैं, और समझ आए कि नहीं, इसलिए दिमाग निगेटिव इसलिए नहीं कि टाइम निगेटिव नहीं डिस्टेंस निगेटिव नहीं डेंसिटी निगेटिव बहुत सारा चीज ऐसा है रेजिस्टेंस निगेटिव नहीं, कभी इस सब चीज़ का मान निगेटिव नहीं होगा, बात समझ में आ गया। तो आपने क्या देखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में क्या हो गया आर वन बाई टू वन प्लस क्या है फोर आर वन, यहाँ कोई दिक्कत है, हमने तो क्वांटिटी क्वेश्चन लिख दिया बाबू का सब कुछ लिख दिया किसके किससे कौन रिजेबल कर रहा है, यहाँ वैल्यू रख दिया आपका आ गया। अब इसमें एक परिवर्तन क्या होता है, सिंपल सा परिवर्तन होगा, यानी ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में केवल एक ही परिवर्तन हो सकता है और आपका, और वो क्या परिवर्तन हो सकता है आपका, देखिए ध्यान से, एक और रेसिस्टर डाल सकता है यहां डाल सकता है ठीक, ये आर वन आर वन आर वन, अब बीच का सब आर टू रहेगा। अब इस केस में क्या होगा, फिर वही आर मान लेते हैं, लेट आर विधि क्या है, लेट आर विधि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विधि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो बाबू को क्या करना है भाई, आप देखो ध्यान से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, इनफाइनाइट का ना, तो इनफाइनाइट में से एक काट लीजिए, एक लैडर काट लीजिए, इस इंफिनिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये आर वन ये आर वन और ये आर टू, आई एक लैडर काट लिए और बाकी बचा का क्या ले लिए आर, अभी दो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये हो गया, अब ये दोनों आपस में क्या हो गए पैरेलल हो गए, तो फिर इसके लिए क्या होगा आर वन आर वन आई क्या होगा आर टू इंटू आर बटन, अभी फिर तीनों क्या होंगे सीरीज में हो गए, अब इसका आर इक्विवेलेंट तो आर ही ना होगा सर, इन्फिनिटी में एक जोड़ भी दीजिए तो आर ही होगा, तो टू आर वन प्लस आर टू इंटू आर बटन आर टू प्लस आर,
बाबू फिर क्या करेगा, एक यहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा, फिर हल करेगा इस आर के लिए, आर में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा, आर में यहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा, फिर आर के लिए हल करेगा, और हल करने के बाद फिर यहाँ दो रूट आएगा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। आपको क्या करना है, निगेटिव रूट को छोड़ देना है, क्योंकि निगेटिव रूट कभी होता नहीं है रेजिस्टेंस में, और पॉजिटिव रूट को क्या करना है, काउंट करना है। तो आपने यहाँ देखा इस वीडियो में कि भाई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल में कैसे होता है, और हम लोग देखते हैं कि जिस पोर्शन का रेजिस्टेंस कम होता है करंट उधर से ज़्यादा जाता है। फिर हमने देखा कुछ सर्किट डायग्राम दिया, और उस सर्किट प्रॉब्लम वाला सर्किट डायग्राम और क्वेश्चन डिस्कस किया। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसी तरह से कुछ क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद फिर क्या होगा आपका, इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो किरचॉफ्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। और आपका बताया था ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो अनइक्वल ईएमएफ के सेल लेंगे, उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या, ठीक है। थैंक यू।